अगर आप मेडिसिन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो अभी सब्सक्राइब करें चैनल को नॉलेज फॉर इंडियन आज के वीडियो में हम बात करेंगे हेल्थ कार्ड एच के वाइटल्स विटामिन डी थ्री कैप्सूल के बारे में अब इस कैप्सूल के या फिर इस मेडिसिन के क्या फ़ायदे हैं कैसे लेना है क्या साइड इफ़ेक्ट है क्या प्राइस है सारी जानकारियाँ जो है आज के वीडियो में मैं आपको दूंगा तो देखिए प्राइस से शुरुआत करें तो पाँच सौ उनतीस रुपये फाइव ट्वेंटी नाइन रुपीज़ में ये आपको साठ सॉफ़्ट जेलेटिन कैप्सूल मिलती हैं तो देखिए प्राइस समय के अनुसार बढ़ता रहता है तो जो आज का प्राइस है वो इधर मैंने आपको बताया है और ये जो है हेल्थ कार्ड कंपनी की है जो कि काफ़ी अच्छी कंपनी है अब इसको ख़रीदना कहाँ से है तो देखिए इसको आप ऑनलाइन ख़रीद सकते हो वो भी डिस्काउंट के साथ तो ऑनलाइन ख़रीदना है तो गूगल पर एक बार इसको सर्च करके देख सकते हो बहुत सारी फार्मेसी वेबसाइट इसको डिस्काउंट के साथ सेल करती हैं तो देखिए इधर हम बात कर लेते हैं कंपोजिशन के बारे में या फिर इसमें क्या क्या है तो देखिए इसमें है विटामिन डी थ्री जैसे कि इसका नाम ही है विटामिन डी थ्री जिसको हम कोल है कैलसी फ्रॉल भी बोलते हैं और ये रहेगा 600 इंटरनेशनल यूनिट में तो चलिए हम इसके अब फायदे के बारे में बात कर लेते हैं तो ये मेनली बनाई गई है आपकी हड्डियों के लिए आपकी हड्डियों को मजबूत करती है आपके दांतों को भी मजबूत करती है अब ये करती क्या है कि जो भी कैल्शियम का जो एबज़ॉर््शन होता है ना कैल्शियम और फॉस्फोरस का जो एब्जॉर्बन होता है इन दोनों को बढ़ा देती है जिससे कि आपको अच्छा फ़ायदा मिलता है आपकी हड्डियाँ मजबूत होती हैं और आपको हड्डियों की बीमारी से बचाती है अब देखिए आप जैसे कि डाइट से आपको कैल्शियम मिलता है लेकिन वो एब्ज़ॉर्ब होना जरूरी है अगर वो इंटेस्टाइन में एब्ज़ॉर्ब नहीं होगा तो उसका कोई भी फ़ायदा नहीं मिलेगा तो विटामिन डी थ्री का यही काम है कि वो कैल्शियम जो भी आप डाइट से मिलता है और या तो लेते हो तो उसको अच्छी तरीके से एब्जॉर्ब कराती है इसके अलावा ये आपके मेटाबॉलिज्म को जो है बूस्ट करने का काम करती है यहाँ तक कि अगर आपको थायराइड की प्रॉब्लम है तो उसमें भी विटामिन डी थ्री काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है इसके अलावा देखिए इम्यूनिटी सिस्टम को बूस्ट करती है आपकी मसल्स को मजबूत करने में भी मदद करती है ये मेडिसिन इसके अलावा देखिए अगर आपको विटामिन डी थ्री की कमी हो जाएगी या विटामिन डी की कमी होगी तो आपकी मसल्स कमज़ोर हो जाएंगे कई बार मसल्स में दर्द भी होता है हड्डियों का दर्द भी होता है अब इसके अलावा देखिए अगर आप स्पोर्ट्स वग़ैरह खेलते हैं तो उसमें ले सकते हैं इसको आपके जॉइंट्स के हेल्थ के लिए अच्छी होती है या फिर जिम जाते हैं उसमें भी आप इसको ले सकते हैं ओस्टोपोरिस जैसी बीमारी है या फिर उससे बचाती है जिसमें के आपकी हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं सॉफ्ट हो जाती हैं उनकी डेंसिटी कम हो जाती है इसके अलावा ये जो है हाई ब्लड प्रेशर अगर है आपको तो उसमें भी ले सकते हैं उसमें भी फायदा करेगी इसके अलावा ओल्ड एज में ले सकते हैं जिनकी उम्र ज़्यादा हो जाती है तो उनको जो है इस टाइप से विटामिन डी थ्री सप्लीमेंट की काफ़ी रिक्वायरमेंट हो जाती है इसके अलावा जिन लेडीज़ को मीनो पॉज़ वग़ैरह हो जाता है वो ले सकती हैं इसके अलावा प्रेगनेंसी में भी काफ़ी फ़ायदेमंद ये विटामिन डी थ्री है जो बच्चा होता है उसके ग्रोथ और डेवलपमेंट में काफ़ी मदद करती है तो जो देखिए इसके मेन फ़ायदे थे उनके बारे में मैंने आपको बता दिया है अब हम बात करते हैं डोज के बारे में कैसे लेना होता है तो देखिए एक कैप्सूल आपको एक दिन में एक बार लेना है और इसको कुछ भी खाने के बाद लेंगे तो बेहतर रहेगा अब देखिए इसको मेल फीमेल कोई भी ले सकते हैं लेकिन बच्चों के लिए मेडिसिन नहीं है बाकी प्रेगनेंसी के बारे में बात करें तो बिल्कुल लेडीज़ इसको ले सकती हैं लेकिन फिर भी एक बार डॉक्टर से सलाह कर लेंगे तो बेहतर रहेगा अब इसको कब तक लेना होता है तो ये तो डिपेंड करेगा क्या प्रॉब्लम है क्या बीमारी है तो उस चीज़ पर डिपेंड करता है एक महीना भी दो महीना भी तीन महीना भी लेना पड़ सकता है उस चीज़ पर डिपेंड करेगा कि आपको भाई जो विटामिन डी जो होता है विटामिन डी थ्री जो है उसकी कमी कितनी है अब साइड इफ़ेक्ट के बारे में बात करें तो देखिए ऐसा तो कुछ इसका साइड इफ़ेक्ट नहीं है लेकिन फिर भी कुछ पेट खराब हो जाता है कुछ शरीर में खुजली वगैरह होने लगती है या जो है अगर आपको पहले से कोई लीवर या किडनी की बीमारी है तो इसको डॉक्टर से सलाह करके ही लेना चाहिए और कुछ भी आपको इसका साइड इफ़ेक्ट लगता है तो आप इस मेडिसिन को बिल्कुल लेना बंद कर सकते हैं आप कोई दूसरी मेडिसिन चल रही है तो उसके साथ ले सकते हैं या नहीं तो बिल्कुल ले सकते हो लेकिन इस टाइप से कोई भी विटामिन डी थ्री की जो अलग से आप मेडिसिन वगैरह जो अगर कोई लेना चाहते तो वो ना लें क्योंकि ओवरडोज हमको किसी मेडिसिन का नहीं करना है इसके अलावा देखिए फ़ायदा कब तक मिलेगा तो मैं बोलना चाहूँगा कि कम से कम आप इसको एक महीना लेकर देखिए एक महीना जब आप इसको लेकर देखते हो तो आपको ज़रूर फ़ायदा और इसका रिज़ल्ट जो है देखने को मिलेगा अब इधर जो है मैं कुछ एडवाइस दूंगा अगर आप ये विटामिन डी थ्री की कैप्सूल लेते हो तो जो कि आपको फॉलो करना है जैसे कि अल्कोहल हो गया स्मोकिंग जंक फूड फास्ट फूड मीठा ऑयली बाहर का खाना पीने सब बंद करें ये सब हेल्थ के लिए बेकार होता है आपको हेल्दी डाइट लेना है एक हेल्दी लाइफ स्टाइल रखना है आप जो है दूध पी सकते हैं एक दिन में दो बार तक दूध पी सकते हैं सुबह की थोड़ा सा धूप ले सकते हैं जिससे कि नेचुरल विटामिन डी मिलता है इसके अलावा वज़न ज़्यादा है उसको कम करना है एक्सरसाइज़ वगैरह करते रहना है एक्सरसाइज के लिए टाइम नहीं मिलता है तो वॉकिंग साइकिलिंग भी आप कर सकते हो तो ये मेरी आप एडवाइस फॉलो करोगे मानोगे और साथ में इसको लोगे तो आपको अच्छा और जल्दी रिज़ल्ट मिलेगा तो इधर मेरा वीडियो खत्म होता है और अगर आपको इस टाइप से और भी वीडियो देखना है हेल्थ और मेडिसिन से रिलेटेड जो कि मैं डेली बनाते रहता हूँ तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी कर दीजिएगा फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जब तक आप बने रहिए हो देखते रहिए आपके अपने चैनल में नॉलेज फॉर इंडियन